हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग करने वाले हैं आईपीएसपीओ मेंस का मेमोरी बेस्ड पेपर का एनालिसिस। ठीक है, मैंने इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया था और मैंने आप लोगों के साथ पहले ही बताया था कि मैंने मेमोरी बेस्ड पेपर को अटेम्प्ट किया है और मैं उसका एनालिसिस आप लोगों को करके बताऊंगा। एनालिसिस एक्चुअली यहाँ पर हम लोग बस ये देखेंगे ना, इसमें एक्चुअली ये पता है क्या, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद क्या है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी ऑलरेडी बता दिया था कि आईपीएसपीओ मेंस का जो मेमोरी बेस्ड पेपर है उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का एग्जाम में, आईपीएसपीओ मेंस के एग्जाम में पेपर को अटेम्प्ट करने का जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, किन क्वेश्चंस को पहले करना चाहिए और किन क्वेश्चंस को आप लोगों को बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए या टच करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को कहाँ से शुरुआत करना चाहिए, दूसरी बात आप लोग कैसे पता करेंगे कि हाँ किस क्वेश्चन को आप लोगों को अटेम्प्ट सही में ले लेना चाहिए, क्या इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इसे हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए बट बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल। ठीक है, जिनको आता है, जिनको पता है, जिन्होंने पहले भी एग्जाम दे रखा है, जो लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट हो चुके हैं, उनके लिए मेरा कुछ भी मतलब इसमें बताने योग्य नहीं है। वो लोग खुद भी बहुत ही ज्यादा मैच्योर होंगे, काबिल होंगे, जानकार होंगे। बट जिन लोगों को नहीं पता है या खासकर जिनका पहला मेंस है या जो लोग मेंस एग्जाम में मतलब अपियर तो होते हैं लेकिन खुद की गलतियों की वजह से उन लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है या मतलब कि एग्जाम जो है वो क्वालिफाई नहीं हो पाता है, उन लोगों के लिए ये जो वीडियो है मेरा एक्चुअली खासकर मतलब उन जैसे स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मेरा जो रैंक रहा है ना। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे पेन लेना पड़ेगा, एक्चुअली मैंने पेन ही नहीं लिया। देखिए मेरा जो रैंक रहा है वो है 2268 मेरा रैंक है। टोटल इस पेपर को अभी तक 25162 कैंडिडेट्स ने इस पेपर को अभी तक अटेम्प्ट किया है, जिसमें से मेरा जो रैंक रहा है वो है 2268। ठीक है ना, 2268। ठीक है, और जो मेरा स्कोर बना था वो है 81.13। 80 क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट किया था। ठीक है, जो मेरा एक्यूरेसी था वो था 87.5 और जो मेरा परसेंटाइल इसमें देखने को मिला है वो है 90.99%। मैंने पहले भी बोला है कि मॉक टेस्ट में किस कैंडिडेट ने मॉक को किस तरीके से अटेम्प्ट किया है, किस तरीके से मॉक को सॉल्व किया है, इसके बारे में कहना मुश्किल है। तो क्यों, अच्छा क्यों मुश्किल है, होता क्या है ना कि कुछ लोग मॉक के क्वेश्चन को मतलब पॉज कर देते हैं, फिर जाके सॉल्व करते हैं और फिर मतलब आंसर कर देते हैं, ये भी एक तरीका है। दूसरी बात ऐसा होता है ना कि कुछ लोग एक अलग आईडी से मॉक को अटेम्प्ट करते हैं और फिर दूसरे आईडी से मॉक के सारे आंसर्स एक्चुअली अटेम्प्ट, जिन्होंने पहले जिस आईडी से किया उन लोगों को सारा पता हो चुका है ना कि हाँ किसका आंसर क्या है। ठीक है, या तो डायरेक्ट मतलब विदाउट अटेम्प्टिंग वो लोग क्या कर सकते हैं ना कि सारे आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि मॉक को सबमिट करके फिर उसके बाद दूसरे आईडी से भी मॉक को दे सकते हैं, ऐसा होता है। एक्चुअली ऐसा होता है, आप लोगों को नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब पता कर लीजिए कैसा होता है ना। यही कारण है कि बहुत बार आप लोगों को हर मॉक में लगभग क्या देखने को मिलता है ना कि जो टॉप स्कोरर है उनका स्कोर कठिन से कठिन मॉक में भी, हार्ड से हार्ड मॉक में भी बहुत ही हाई देखने को मिलता है, वरना वो लोग दूसरे प्लेनेट से थोड़ी आए हैं, है ना। दूसरी बात, अगर सही में उन लोगों का कट ऑफ, उन लोगों का मतलब स्कोर इतना देखने को मिलता है तो फिर वो लोग, वो कैंडिडेट आज के डेट में भी मॉक क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं। उन लोगों को तो अभी बैंक में होना चाहिए ना, अगर उन लोगों ने पहले भी कोई एग्जाम वगैरह दे रखा है तो। हाई स्कोर मतलब इतना मॉक में ला के वो लोग अगर अभी भी मॉक दिए जा रहे हैं तो सेंस है इस बात का, सोच के देखिएगा, है ना। उन लोगों का अगर पहले से देखे, अचानक से तो किसी का इतना फर्स्ट टाइम में तो इतना स्कोर नहीं आ जाएगा ना, कुछ लोग पहले से कर दे रहे हैं तब ना धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है। बट अगर किसी का इस लेवल का इंप्रूवमेंट है कि हाँ वो टॉप स्कोर कर रहा है मॉक में, तो क्या इतना दिन में उन लोगों का एग्जाम नहीं निकल जाना चाहिए था, अगर उसका आधा भी बना लेता क्वेश्चन तो। सोच के देखिए, है ना, सोच के देखिए। देखिए रीजनिंग में जो मेरा स्कोर रहा है वो है 24.25, और कुछ क्वेश्चन हो सकता था बट कोई बात नहीं, है ना। 24 मेरा जो अटेम्प्ट था, 24 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किया था, इसमें जो मेरा एक्यूरेसी है वो है 91.67%। ठीक है, जीए एक्चुअली आप लोगों को पता होगा कि ये जो पेपर है ना 4 फरवरी 2021 वाला है, जो पेपर 22 जनवरी 2022 को हुआ था वो पेपर एक्चुअली टेक्स्ट बुक में ऐड नहीं किया गया है, इस वजह से मुझे इसी पेपर को देना पड़ा, है ना। ये 2020 वाला पेपर है जो कोरोना की वजह से 4 फरवरी 2021 को हुआ था,
लेट से, क्लियर, मतलब कि 2020 का जो रिक्रूटमेंट निकला था ना उसका ये पेपर है, ठीक है। तो जीए एक्चुअली ओल्ड इसमें देखने को मिला था, है ना। तो इसमें मैंने बस जो कुछ थोड़े बहुत मतलब मुझे पता था और जो थोड़े बहुत जो बैंकिंग के होते हैं ना क्वेश्चंस उनको मैंने आंसर कर दिया था, तो एक यहाँ पे गलत हो गया था, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। इंग्लिश का अगर बात किया जाए तो इंग्लिश में मेरा जो स्कोर है वो है 29.63, 32 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किया था और इसका जो एक्यूरेसी था वो है 87.5%, ठीक है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में जो मेरा स्कोर बना है इस बार 22.5, 18 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किया था, ठीक है। प्रीवियस में मैंने जितना भी मॉक अपना अटेम्प्ट किया है और जिसका मैंने एनालिसिस करके आप लोगों को प्रोवाइड किया है ना, उन मॉक्स में आपने देखा होगा कि मेरा मतलब हमेशा जो मैथ्स का सेक्शन हो गया या क्वांट का सेक्शन हो गया या जिसे डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कहा जाता है उसमें मेरा जो स्कोर है काफी लो है, मतलब बहुत ही घटिया आप लोग उसे कह सकते हैं, बयात कर सकते हैं, है ना। देखो होता क्या है ना कि मॉक का क्वेश्चन एक्चुअली खासकर मैथ वगैरह का ऐसा अजूबा दिया जाता है ना कि मतलब थोड़ा सा मतलब कठिन होता है मेरे भाई, ठीक है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा रियलिटी को आप लोगों को। बट ये कहीं ना कहीं एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन था तो इस वजह से मेरा इसमें अटेम्प्ट भी अच्छा हो गया और स्कोर भी बन गया, क्या, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हाँ इसका मतलब कैसे क्वेश्चंस वगैरह आए थे और किस तरीके से आप लोगों को पेपर को अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। बताया क्या, मैं अगर रैंडम बस कोई वीडियो बना देता है कि हाँ आप लोगों का पेपर अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटेजी क्या है तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता, बट अगर मैं मॉक के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग या तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को बताऊंगा तो आई थिंक ये ज्यादा बेनिफिशियल, ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है ना, ताकि आप लोग मतलब चीजों को समझ पाए। जो ओवरऑल मेरा जो स्कोर था वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर बता दिया है, 81.13, 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था, 87.5% मेरा ओवरऑल एक्यूरेसी है, ठीक है। और थोड़ा सा टॉप रैंकर्स का भी हम लोग स्कोर एक बार देख ही लेते हैं कितना लाए हैं। अरे बाप रे बाप, मतलब देख रहे हैं ये जो श्रेष्ठा जी है ना, कहाँ जाता है श्रेष्ठा जी, इतना लाई हैं। ये जो हितेश पंकज जी, पता नहीं शायद ला भी सकते हैं बट मतलब पता नहीं किस प्लैनेट से आए हैं ये लोग, मतलब मैं क्या ही बोलूं। अगर इतना आया है इसका मतलब क्या है ना, 164 बोलने का मतलब अगर मेरा 82 मान लेते हैं तो इसका जस्ट डबल इंटू टू हो जाएगा, ठीक है। पता नहीं कैसे मतलब जीए वगैरह पुराने लोगों को याद होगा, है ना, बिकॉज बिना जीए तो फिर पॉसिबल नहीं है ना। और उसके बाद अच्छा सॉल्यूशन देखना था हम लोग, ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं स्क्रीन को जो है ना डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ये हम लोगों का रीजनिंग का सेक्शन ओपन हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने टोटल 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था जैसा मैंने पहले आप लोगों को बता दिया, और 22 जिसमें से करेक्ट हुआ है, 2 क्वेश्चन गलत हुआ है। यहाँ पर मैं आपको टेस्ट का एक गलती बताऊंगा कि टेस्ट में एक्चुअली कैसे हम लोगों को लगता है कि हाँ हम लोग गलत हैं, लेकिन होता क्या है टेस्ट का जो आंसर रहता है वही गलत रहता है, ऐसा भी होता है। अगर आप लोगों को पता नहीं है इसके बारे में तो आज आप लोग ये भी सीख लीजिएगा कि टेस्ट में जो क्वेश्चन होते हैं ना वो भी गलत होते हैं। मैंने आप लोगों से पहले भी बहुत बार बताया है, मैंने आप लोगों को पहले बहुत बार बहुत अच्छे से बताया है, टेस्ट के क्वेश्चंस कौन बनाते हैं, जो मॉक टेस्ट होते हैं किसी भी कंपनी के उसे कौन बनाता है, हमारे और आपके जैसे ही कैंडिडेट्स जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है उन लोगों को हायर किया जाता है कॉन्टेंट राइटर के लिए या कॉन्टेंट क्रिएटिंग के लिए, ठीक है, या कॉन्टेंट मेकिंग के लिए। उन लोगों का ही बस ऐसा उनके लिए क्वालिफिकेशन का जो एलिजिबिलिटी है वो कितना क्या होना चाहिए, ओनली कि अगर उन लोगों का मेंस क्लियर है, ठीक है ना, और अगर उन लोगों का थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो उन लोगों को हायर कर लिया जाता है कंटेंट क्रिएट करने के लिए, क्वेश्चंस वगैरह बनाने के लिए या तो आंसर बनाने के लिए। तो आप सोचिए जब रियल एग्जाम आपका जो आईपीएस का जो रिक्रूटमेंट बॉडी हो गया उसके जो एक्सपर्ट्स हो गए, जिन लोगों को 15+ ईयर्स का कम से कम तो एक्सपीरियंस होता है क्वेश्चंस का, ठीक है, क्वेश्चंस बनाने का, रियल एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराने का, या हो सकता है 20+ भी हो, ठीक है, I'm not very much sure about that. उन लोगों के सामने कहीं भी ये लोग या हम लोग मान लेते हैं कि क्वेश्चन को क्रिएट करने में टिक पाएंगे तो सोच के देखिएगा, है ना। जब आपको ये मिला है ना बाबू तो लगाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने जो प्रीवियस अपना वीडियो बनाया था कि मोस्ट ब्रूटल टॉक ऑन IPSPO मेंस एग्जाम लेवल, उस पर कुछ लोगों ने मुझे मतलब कि निगेटिव कॉमेंट वगैरह किया या जो भी बोला, उन लोगों को मैं क्या बताऊं कि बाबू या बेटा तुम लोग एक्चुअली सोच नहीं पा रहे हो, तुम लोगों का जो मेंटल अंडरस्टैंडिंग है ना बढ़ नहीं पाया है, मतलब उम्र बढ़ गया है लेकिन हाँ कहीं ना कहीं दिमाग बच्चों वाला ही है, चीजों को आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं।
मॉक के क्वेश्चन कौन बनाते हैं? हमारे और आपके जैसे लोग। वो कैंडिडेट होगा, कुछ मेंस वगैरह क्वालिफाई हो गया, या सिर्फ एक मेंस भी क्वालिफाई हो जाएगा ना, या क्लर्क मेंस भी अगर क्वालिफाई हो जाएगा ना, उन लोगों को हायर कर लिया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों को कभी कभी जिस भी प्लेटफॉर्म का आपने प्लान वगैरह ले रखा है, या जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का नंबर वगैरह चला जाता है ना, या ईमेल वगैरह अगर आप लोग वहाँ पे अपना मतलब डाल देते हैं, जो मेल हो गया ना, मेल एड्रेस, तो आप लोगों को वहाँ पर मेल वगैरह भी आते रहता है कि वी आर हायरिंग कंटेंट राइटर का या कंटेंट डेवलपर का जरूरत है ना, वर्क टाइम मतलब क्या रहना चाहिए, कितना पैसा वगैरह मिलेगा, उसका एक्सपीरियंस क्या रहना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जो डिमांडिंग क्वालिफिकेशन है, आता है ना ऐसा? अब नहीं आता है तो भैया फिर आप लोग मतलब मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग मतलब फिर कैंडिडेट ही नहीं है सही, है ना? तो मॉक टेस्ट पे प्लीज निर्भर ना करें, डिपेंड ना करें, रिलाई ना करें, क्योंकि जो लोग क्वेश्चन बना रहा है उसे भी गलती हो सकता है। दूसरी बात, वो लोग आंसर भी कुछ कुछ डाल देते हैं मेरे भाई, अपने अकॉर्डिंग आंसर डाल देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो वो आंसर डाल रहे हैं वही सही सही हो। मैं अभी आपको दिखाऊंगा गलती क्या है, ठीक है ना? वैसे ये क्वेश्चन मेरा हल्का सा मतलब गलत हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, ये गलत नहीं हुआ है, एक्चुअली हुआ क्या ना कि अभी मुझसे टिक हो गया है, ठीक है, मैं इसे ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। ये अटेम्प्ट क्वेश्चन में एक्चुअली हुआ क्या होगा ना, ऐसा टिक हो गया होगा, ठीक है। ये बता रहा है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट और ये बता रहा है गलत, तो पहले मैंने सही कर दिया, बाद में मैं गलत थोड़ी करूंगा, ठीक है। रीअटेम्प्ट को हम लोग ऑफ कर देते हैं। देखिए, ये जो आपका पजल था ना, इस पजल को आप लोग बिल्कुल बना सकते थे। देखिए, इस पजल को बनाने में कितना टाइम लगा मुझे, एवरेज को कितना टाइम लगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल डुएबल था, लेकिन कब, जब आप लोग, चलिए हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं, काफी आप लोगों को सीखने को हो सकता है मिले, ठीक है। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि चाहे जो भी सेक्शन ओपन हो, दूसरी बात, अब आप लोगों को सेक्शन को भी सब सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है कि सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन बोलने का मतलब जो आपका सब्जेक्ट हो गया उसको भी आप लोगों को सब सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है, सेक्शन ए सेक्शन बी। हो सकता है कि रियल एग्जाम में आप लोगों का जो सेक्शन ए है वो शायद 2 मार्क्स को कैरी करे या 1 मार्क को कैरी करे, या हो सकता है कि एट द सेम टाइम जो आपका सेक्शन बी है वो शायद आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन को कैरी करे या शायद 1 मार्क के क्वेश्चन को कैरी करे। इसके बारे में अभी कन्फर्म नहीं बताया गया। जब आपका रियल एग्जाम जब आप लोग देने जाएंगे ना, उस टाइम जो आपका स्टार्टिंग में जितना भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह आता है ना, आफ्टर लॉगिन, आफ्टर फर्स्ट लॉगिन, वहां पर ही आप लोगों को वो सब सारा इंस्ट्रक्शंस में गिवन होगा कि हाँ कौन से सेक्शन को कितना मार्क्स अलॉट किया गया है, ठीक है। वहां पर आप लोगों को इन सब सारे डाउट का मतलब आप लोगों को मतलब क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है ना। पहले से कोई कुछ भी बोल रहा है प्लीज उन लोगों के बातों पर भरोसा ना करें, बिकॉज इसके बारे में कहीं भी जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है ना, जो मतलब अब एग्जाम पैटर्न पे जो अपडेट हुआ है, जो चेंज हुआ है, उसका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, उसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है। मैंने भी आप लोगों को वो बता दिया था, उसका भी मैंने वीडियो बना के आप लोगों को अभी अपलोड कर दिया था। अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ना कहीं डुएबल था, बट आप लोगों को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए, चलिए हम लोग उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन 1 to 5 है, पजल है, तो आप क्या करें ना, बस ऐसा करें कि आप यहाँ पे जो आपको रफ सेट मिला है तो रफ सेट को यूज करेंगे, जो चीज मिला है उस चीज को यूज करना है, दिमाग मिला है दिमाग को यूज करना है, क्या है ना। रफ सेट मिला है तो रफ सेट में क्या लिख लेंगे ना कि 1 to 5 हमारा क्या है, तो पी है, पी बोलने का मतलब पजल, पी बोलने का मतलब पजल, ठीक है ना। कौन सा पजल है भाई, तो इसमें हम लोग क्या इतना देख सकते हैं कि 6 different months है एंड 2 different dates है, तो क्या इसे हम लोग मंथ एंड डेट वाला पजल बोलते हैं, या सिंपली इसे हम लोग अगर मंथ बेस्ड पजल भी बोलेंगे तो क्या काम नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो क्या लिख देंगे, पजल है मंथ बेस्ड, ठीक है, या एम एंड डी ऐसा करके लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5 से। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट 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 करेंगे। अचानक से आप लोगों को नंबर पे क्लिक नहीं करना है, जैसे कि अचानक से 4 पे चले गए, ऐसा क्यों नहीं करना है। हो सकता है वो पजल आपका सिर्फ 3 क्वेश्चन का होगा, और अगर आप अचानक से क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव कर जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये सोच के कि हो सकता है कि वो पजल आपका 5 क्वेश्चन का हो, तो 2 क्वेश्चन आपसे मिस हो जाए। आपको बाद में शायद पता चलेगा कि अरे यार ये 2 क्वेश्चन हमसे मिस हो गया, ये काफी ईजी था, काफी ड्यूएबल था, इसे आप लोग मतलब कम टाइम में कर सकते थे, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। दूसरी बात, सारा पेपर को फिल्टर करने में ज्यादा से ज्यादा आपका 3 मिनट जाएगा। अगर 60 मिनट्स में आप लोग 3 मिनट दे देते हैं, उसके बाद अगर आप लोग सही क्वेश्चंस को चूज करके अटेम्प्ट करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो क्या आपको लगता ही नहीं कि हाँ आप लोगों का एक अच्छा अटेम्प्ट बन जाएगा, तो सोच के देखिए, है ना।
सोचिए सोचिए, बहुत जरूरी है, मेंस का एग्जाम ऐसे ही नहीं निकलता है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके एग्जाम निकलता है मेंस का, है ना। फिर से हम लोग नेक्स्ट करेंगे। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, इसका मतलब अब एक बताओ, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 गिव है ना, यहाँ पर आपको यहीं पे कॉम्प्रिहेंशन में, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में दे दिया जाए कि जो क्वेश्चन नंबर 1 आया है वो वहां से लेके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है वो आपका पजल का हो। एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, जरूरी नहीं है, मतलब हो भी सकता है बट जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दे रखा है मेंस का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जो सच्चाई है मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना, जो पेपर में जैसा आता है, रियल पेपर में जैसा आता है, बिकॉज यहाँ पर तो आपको मॉक में, टेस्ट बुक में कुछ दिख रहा है, अर्ली बोर्ड के मॉक में आपको कुछ दिखता है, स्मार्ट किरा के मॉक में आपको कुछ दिखता है, तो सब में थोड़ा सा चेंजेस होता है ना, क्योंकि सब अपने अकॉर्डिंग बना रहा है, क्लियर। लेकिन रियल एग्जाम का तो कुछ अलग ही लेवल चलता है या कुछ अलग ही पैटर्न चलता है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है ये, ठीक है। देखिए ये क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था, ये एक्चुअली थोड़ा सा गलत हो गया, होता क्या ना कि देखिए क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ा सा मतलब सही भी हो जाता है बट कभी कभी गलत हो जाता है ना, वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे आपका मतलब फोकस कैसा है, कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, या क्या सोच रहे हैं, है ना, या कहीं आप मतलब फिजिकली आप यहाँ मौजूद हो बट मेंटली शायद आप कहीं और मतलब लंदन पेरिस घूम रहे हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, खैर कोई बात नहीं, फिर बाद में एक्चुअली मुझे पता चल गया था कि हाँ मेरे तरफ से ही क्लियर हुआ है। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मान लेते हैं कि अगर बात करते हैं ना, तो अगर आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, लाइफ का अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस ऑफ सिचुएशंस, मतलब कि गोइंग अराउंड यू, मतलब कि जो भी चीज़ आपके आसपास में हो रहा है, अगर उसका अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को है, तभी क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है, वरना नहीं लेना है, ठीक है, वरना सही में नहीं लेना है, वरना नुकसान किसका होगा। मान लेते हैं कि आप तो क्वेश्चन बनाने लगे, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे गलत होगा तो नुकसान किसका होगा, आपका होगा, जो बोलेगा उसका थोड़ी होगा, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, स्मार्ट बनना है। कैसे स्मार्ट बनेंगे, खुद के कमियों को जानेंगे, खुद के वीकनेस को जानेंगे, खुद के स्ट्रेंथ को जानेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करेंगे, क्या बस इतना ही तो कहानी है बस। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका मतलब वही था जो पैसेज एंड अजम्पशन होता है ना, या जिसे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर बस कहानी कर दिया, क्या कर दिया गया है ना, कि यहाँ पर पैसेज लिख दिया गया है स्टेटमेंट की जगह पे, जबकि आपका स्टेटमेंट यहाँ पे होता है, बट यहाँ पैसेज कर दिया गया, ऐसा भी आता था एग्जाम में, इसमें कोई भी मतलब कंफ्यूज होने वाला बात नहीं है, ठीक है। तो ये एक्चुअली सही हो गया मेरा, ठीक है ना। लेकिन आप कब अटेम्प्ट ले सकते हैं, सही नहीं हुआ मेरा, मतलब मैंने किया नहीं था ये, इसका बस अंतर बता रहा है, ठीक है ना। मैंने तो इस क्वेश्चन को किया भी नहीं था, बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था ये, ठीक है। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये भी आपका जो कॉज एंड इफेक्ट होता है ना, उसका ही क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा ये ज्यादा लेंदी था, थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल था, तो मैंने सोचा कि भाई इस क्वेश्चन को क्यों अटेम्प्ट लेना, हो सकता है कि इतना पढ़ने के बाद शायद गलत हो जाए। मान लेते हैं कि इतना पढ़ने के बाद गलत हो जाए तो फिर कोई मतलब बनता है क्या, कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। उसके बबाद आपके पास आया है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक में। अब यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिला है पजल का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे, जो भी हमें रफ शीट मिला है उसमें क्या करेंगे, लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 में कौन सा है पजल, तो स्क्वायर टेबल है, स्क्वायर लिख लेंगे बस, क्लियर है, या एसक्यू लिख लीजिए क्या। अब उसके बाद देखिए क्रिटिकल रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन आया था, मैंने उसके बारे में आप लोगों को नहीं बताया कि हाँ आप लोग उसको लिख लीजिए, बिकॉज उसे आप लोग बस डायरेक्ट स्किप ही कीजिए, फिर लिखने का भी क्या जरूरत है जब नहीं आता है तो, और जब आता है तो कोई बात नहीं, आप लोग करते चलिए ना, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, एग्जाम में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ही आता है, इजी बोलने का मतलब कम लेंथ वाला, जनरली आपको टेक्स्ट बुक में तो थोड़ा कम लेंथ का देखने को मिलता है, बट दूसरे मॉक में आपको क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा आपको लेंथी देखने को मिलता है ना, ज्यादा उसमें आप लोगों का मतलब पैराग्राफ वगैरह देखने को मिल जाता है, कोई मतलब नहीं है उसका, वैसा क्वेश्चन एग्जाम में एकदम नहीं आएगा, और आएगा तो आप बनाएंगे भी नहीं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हाँ आप पजल को कब अटेम्प्ट कर सकते हैं,
देखिए ये इस पजल को मैंने अटेम्प्ट किया था, बट हुआ क्या कि मैंने खुद एक सिली मिस्टेक कर दिया, मैंने खुद एक्चुअली एक सिली मिस्टेक कर दिया, मैंने कंडीशन को उल्टा ले लिया था, तो उसके बाद से मेरा पजल सॉल्व हो गया था बट गलत सॉल्व हुआ। अब गलत सॉल्व हुआ तो मेरा आंसर मैच नहीं करना था कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि जब मैंने एक बार अटेम्प्ट कर लिया गलत हो गया, फिर मैं उसे फिर से अगर अटेम्प्ट करूंगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरा 3-4-5 मिनट एक्स्ट्रा चला जाएगा, तो क्यों ना इसे फिर बाद में देखा जाए, पहले कुछ और क्वेश्चन तो कर लेते हैं। इसलिए मैंने डायरेक्ट मतलब वहां से मतलब मूव कर दिया था और हम लोग मतलब आगे मैं बढ़ गया था, ठीक है ना। बट ये क्वेश्चन ड्यूएबल था, ये स्क्वायर टेबल जो है ना थोड़ा सा ड्यूएबल था, ठीक है, ज्यादा भी मतलब ये लेंथी नहीं था, ज्यादा भी ट्रिकी नहीं था, ज्यादा टफ नहीं था, ठीक है, छोटा सा ही तो पजल है। आपको कुछ मार्क्स में तो बहुत ही कठिन कठिन पजल या बहुत लेंथी पजल देखने को मिलता होगा। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ये जो है ना, ये आपका जो कोडिंग लैंग्वेज है जो कैसे रहता है, मतलब कि नॉर्थ, ये आपका जो डायरेक्शन वाला रहता है उसके अकॉर्डिंग गिवन है। ये द कोडिंग लैंग्वेज यूज्ड टू इंडिकेट द पोजीशंस ऑफ पॉइंट्स इज एज फॉलोज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अटेम्प्ट ले सकते थे, मैंने एक्चुअली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का कोशिश किया, बट मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैं मॉक में क्या करता हूँ ना, क्वेश्चन चाहे वो प्रीवियस ईयर क्यों ना हो, पहले अगर आप लोगों ने मुझे सुना है, मेरे वीडियोज को देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। मॉक के क्वेश्चंस को मैं ज्यादातर बनाने की कोशिश करता हूँ, आंसर करूँ ना करूँ उसे मुझे कोई लेने देने नहीं है, बिकॉज मॉक में अगर मैं सारा क्वेश्चन कर भी दूँ तो जरूरी थोड़ी है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब ऐसा क्यों, मॉक में सारे क्वेश्चंस को करने के बाद किसका सिलेक्शन होता है, रियल एग्जाम में करूंगा ना क्या। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, आप इसमें लिख सकते थे कि हाँ मतलब इसमें आपका एक जो क्वेश्चन आया है ना वो आपका मतलब इस तरीके से कोडेड डायरेक्शन का है, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते थे। बट एक बात बताइए, वो जो क्वेश्चन आपका एक नंबर का था, क्या जरूरी है कि हाँ उस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर लें, खासकर जब आपका एक तो इस तरीके से इतना कोड निकालना है, दूसरी बात जो आपको न्यू क्वेश्चन मतलब नया जो आप लोगों को डायरेक्शन बताना है ना, वो इसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा अरेंज करके कोड को फाइंड करके क्रैक करके बनाना है। नहीं लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो गया क्या, नहीं करना है, ठीक है। अगर जब एक क्वेश्चन आए बिल्कुल नहीं करना है, छोड़ देना है। हाँ उसी कंडीशन में करना है जब आपके पास कोई पजल करने के लिए ना रहे, या मान लेते हैं कि आपका मतलब पजल इतना वीक है कि आप किसी भी पजल को कर नहीं पाए, उस कंडीशन में करेंगे कि हाँ चलो ठीक है थोड़ा सा टाइम दे देते हैं हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। देखिए ये आपका 14 और 15 दो क्वेश्चन था, तो ये आपका क्या है जो आपका कोडेड ब्लड रिलेशन होता है उसका क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका आपका मतलब इस तरीके से कोड गिवन था, और ये आपका 1 और 2 जो स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग आपको कोड के अकॉर्डिंग बना देना था वो, ठीक है, फैमिली ट्री। तो दो क्वेश्चन था, इसे आप लोग बिल्कुल कर सकते थे और इसे आप लोग नोट भी कर सकते थे कि हाँ क्वेश्चन नंबर 14 से 15 क्या है, तो आपका कोडेड ब्लड रिलेशन है या CBR कोडेड ब्लड रिलेशन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये स्टेटमेंट एंड कॉज ऑफ एक्शन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया था बिकॉज मेरा टारगेट क्या था, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, ठीक है। डायरेक्ट मतलब स्किप मैं करता हूँ कभी कभी चीजों को, 5 सेकंड में कौन इसको पढ़ेगा, है ना। आगे देखते हैं। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये भी आपका पैसेज एंड या तो स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स वाला था, ठीक है, इसको मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका फिर से एक पजल देखने को मिला है, देख रहे हैं कितना मतलब छोटा सा पजल है। सबसे पहले तो मैं इसे रफ कर देता हूँ स्क्रीन को, देखिए देख रहे हैं, पेन मैं चूज कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 से 21 तक टेस्ट में गिवन है कि हाँ क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 21 तक, 18 से 21 बोलने का मतलब 18, 19, 20, 21 चार क्वेश्चन, मतलब कि एक पजल है चार क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना चाहिए था, अगर एग्जाम में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से 21 अगर गिवन है तो, बट अगर नहीं गिवन है तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, तो आपका पजल है। कौन सा पजल है, तो आपका बिल्डिंग वाला है, होता है ना कि हाँ मतलब कि ये क्या लिखे ना, देखिए द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर 1 एंड फ्लोर 2, मतलब इस तरीके से, तो आपका ये फ्लोर वाला पजल है, ठीक है। ऐसा फ्लैट एंड फ्लोर रहता तो फ्लैट एंड फ्लोर लिख लेते, जैसा रहेगा बस वैसा लिख लेना है, मेंशन कर लेना है, क्लियर है ना। अब फिर उसके बाद आपको कैसे चेंज करना है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे नहीं जाना है, नेक्स्ट 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 करके आपको जाना है, ताकि आपको पता चले कि सही में कितना क्वेश्चन आया है। अब जब आपको पता चल जाएगा, मान लेते हैं एक चीज और, मान लेते हैं कि अगर आपको ये नहीं पता है कि ये आपको गिवन नहीं है, मान लेते हैं कि नहीं दिया हुआ है, तो जब आपने क्वेश्चन नंबर 18 अगर यहाँ पर लिखा था
और अगर आप नेक्स्ट 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 करके तीन बार नेक्स्ट करते हैं, फिर भी आपको पजल का क्वेश्चन देखने को मिलता है फोर्थ क्वेश्चन पे भी, तीन बार के बाद। और उसके बाद फिर क्वेश्चन अगर चेंज हो जाता है तो क्या आपको इस बात का पता नहीं चलेगा कि अरे भैया चार क्वेश्चन बोलने का मतलब 18 से 21 क्या तो फोर क्वेश्चन आया है आपका फ्लोर बेस्ड पजल का। इतना दिमाग लगा सकते हैं ना, इस तरीके से कर सकते हैं ना, ऐसा कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। देखिए अगर आप लोग 4 मिनट लगा के भी पेपर को फिल्टर कर लेते हैं, पेपर को स्किम कर लेते हैं या पेपर को रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या आया हुआ है, और उसके साथ साथ आप लोग मतलब लिख लेते हैं। देखिए ये सब लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे बताने में एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है ना। रियल एग्जाम में मैं किसी को बताने थोड़ी जाऊँगा, थोड़ी मैं किसी को इतना समझाऊंगा, इतना उसके सामने भाषण दूंगा, बकवास करूंगा, है ना, क्वेश्चन पे मतलब टूट पड़ूंगा, है ना, बताने में मुझे टाइम लग रहा है चीज़ों को। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए अब ये क्या है आपका, सिर्फ एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका डुएबल था, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा इसमें नहीं था। अब उसके अलावा अब आपका जो ये पजल था ना, ये भी थोड़ा सा पजल मतलब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या गिवन है। देर आर 12 persons ABCD मतलब कि एल तक, एल बोलने का मतलब 12 होता है, लाइन को देखते ही 12 बज गए, लाइन को देखते ही 12 बज गए, मेरा 13, ठीक है ना, इस तरीके से आप लोगों को साथ पता होगा, पता है तो अच्छी बात है। टी का 20 होता है, एस का 19 होता है, यू का यू गिव मी अ किस 21, भी का मतलब हम दो, हमारे दो, है ना, मतलब ये मेरा ट्रिक है, मैंने मतलब मैं लिखता वगैरह नहीं हूँ, जनरली मैंने देखा है कि हाँ लोग मतलब वहां पे लिख लेते हैं ABCD का, मैं लिखता वगैरह नहीं हुआ है, मुझे सब याद है ना। तो देखिए क्या है ना, आई का होता है 9, आई का मतलब 9 बोलने का 9, आई नो, है ना, आई नो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि आई का 9 होता है 9 होता है, आई नो KNOW, आई नो मतलब 9, है ना। तो ये आपका जो पजल था ये भी मतलब आप लोग पजल अगर कर सकते थे, ठीक है, बट कोई बात नहीं, सबसे पहले आप लोगों को तो पजल करना नहीं है, पहले आपको क्या करना है, जितना भी मिसलेनियस हो गया कोशिश करना है कि उनमें से जितना भी ड्यूएबल मिसलेनियस है उन्हें कर देना है। अब मान लेते हैं कि अगर आपके सामने कोई नया पैटर्न का क्वेश्चन न्यू मतलब पहली बार ही वो देखने को मिले, नहीं देखा है पहले, तो उसे बाद में हम लोग करेंगे। कब करेंगे बाद में, सबसे पहले मिसलेनियस को कर लेंगे जो आपसे बन जाएगा, जो मतलब कि जो आपसे बन सकता है, ठीक है ना, जो ड्यूएबल मिसलेनियस क्वेश्चंस हो गए। फिर उसके बाद आपको नए पैटर्न के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ के कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, उसके बाद आप उसे अटेम्प्ट ले सकते हैं। बट अगर नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल छोड़ देंगे, कहाँ मूव करेंगे, पजल्स पे। उसमें भी आपको इतना पता होगा कि आप किस तरह के पजल में स्ट्रांग है, किस तरह का पजल आपसे मतलब नहीं बनता है, आप लोग उसे फंस जाते हैं, इतना आप लोगों को, अगर देखें आपने तैयारी कर रखा है, प्रैक्टिस किया है, तो आप लोगों को शायद इतना तो आइडिया होगा ना, आपको अपने बारे में पता नहीं होगा तो किसके बारे में पता होगा, है ना। जैसे कि मुझे मेरे बारे में पता है कि मैं कहाँ स्ट्रांग हूँ कहाँ वीक हूँ। चलिए इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसमें क्या है, तो फिर से पजल आ गया है। तो कौन सा पजल है, मान लेते हैं कि एक तरह का कैटेगरी बेस्ड पजल है, ठीक है, एक्चुअली इस तरह के पजल को है ना कैटेगरी बेस्ड पजल कहा जाता है, ठीक है। कितना क्वेश्चन का सेट है इसमें, तो गिवन है कि 23, 24, 25, 26, फिर से 4 क्वेश्चन का सेट। मान लेते हैं कि हमें नहीं पता है कि कितना क्वेश्चन आया है, ये नहीं दिया रहता, तो हम लोग क्या करते, नेक्स्ट करते 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया। जब हम लोग 27 देखेंगे तो क्या हमें पता चला कि अच्छा इसके पहले तो 26 नंबर था, तो 26 बोलने का मतलब 23, 24, 25, 26, 4 क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से ऐसे 4 लिख लेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। अब इसको आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, तो ये आपका जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है ना, इसे आप लोग सिंपली क्या है ना, स्टेटमेंट एंड एसर्शन, या जिसे स्टेटमेंट एंड रीजन कहा जाता है ना, एक्चुअली उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो मतलब इसे भी अगर आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छा है तो आप लोग कर सकते थे, ठीक है। देखिए ये जो आपका पजल है, ये आपका डिफरेंट फ्लेवर ऑफ केक 8 boxes है, मतलब कि इसमें क्या है ना कि है बोले का इसमें रखा गया है, ठीक है ना, मतलब ये सब कैरी करता जो बॉक्सेस है, तो इसे भी आप लोग बना सकते थे। इस पजल को मैंने बना लिया था, थोड़ा सा इजी पजल था, ठीक है। 28 से लेकर 30 बोलने का मतलब 28, 29, 30 दो ही था, तो 28 ऐसे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 28, या तो क्यू क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, पजल है, कौन सा पजल है, बॉक्स बेस्ड पजल है, ठीक है। कितना क्वेश्चन कैरी करता है, 2। अगर मान लेते हैं कि ये हमें नहीं गिवन था कि 28 से 30 तक है, कैसे चेक करेंगे,
28, 29, 30 इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे तो खत्म हो गया। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। देख रहे हैं आता है एग्जाम में, सब आता है भाई। अगर आपको नहीं पता है तो मैं क्या बताऊं आपको, एग्जाम में सब आता है, रियल एग्जाम में सब आता है। 31, 32, 33 आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इस क्वेश्चन के लिए आपको एक्स्ट्रा नोट करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज डायरेक्ट करते हुए चलेंगे ना, ठीक है। देख लेते हैं कि इसका जो हैट है ना उसका कोड क्या होगा, KX होगा। KX कैसे होगा? देखिए एक बात बताइए, आपका हैट कहाँ है? हैट सिर्फ और सिर्फ इसमें है, ठीक है। क्या आपका ही है? ही है। क्या आपका लाइक है? लाइक है। क्या आपका दैट है? दैट है। हैट बच रहा है। इसमें मान लेते हैं क्या क्या कॉमन हो सकता है। क्या आपका इसमें रे कॉमन हो गया? रे कॉमन हो गया। क्या आपका इसमें बीटी कॉमन हो गया? बीटी कॉमन हो गया। क्या आपका इसमें डीक्यू कॉमन हो गया? डीक्यू कॉमन हो गया। एक बचा केएक्स, कौन सा केएक्स हो जाएगा? हैट हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन पे बेस्ड जो आपका आता है ना डेटा सफिशियंसी, वो आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो इसे भी आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं। देखिए आपका दूसरा डेटा सफिशियंसी, आप लोग इसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये जो आपका पजल था 34, 35, 36, 37 फिर से चार क्वेश्चन का पजल था, ठीक है। और ये आपका कौन सा पजल है ना कि 12 लोग हॉरिजॉन्टल रो में रहते हैं और अलग, दे लिव्स इन 7 हाउस, अलग अलग मतलब कि 7 घर में ये लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह से देखा जाए ना तो कहने के रो वाला पजल ही था, हॉरिजॉन्टल रो वाला। बट ये सब होता है ना थोड़ा सा ट्रिकी पजल हो जाता है, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कैसे कॉम्प्लेक्स हो जाता है? एक तो आपको इसमें इन लोगों को रो पे अरेंज करना होगा, दूसरी बात अलग अलग घर के बारे में भी बताना होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा, और दूसरी बात इसमें फिर क्या हो रहा है ना, आर फेसिंग मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट एंड ऑल दी हाउसेस आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। जो घर है वो वेस्ट टू ईस्ट में है, और वेस्ट टू ईस्ट में है घर, वेस्ट टू वेस्ट आपका हो गया इधर, ईस्ट इधर हो गया, ठीक है ना। और घर जो क्या है मतलब कि फेस कहाँ कर रहे हैं, तो नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं ऊपर की साइड, ठीक है। अब उसके बाद इसमें आप लोगों का फिर ये भी बताना था कि मिनिमम 1% एंड मैक्सिमम 3% कैन लिव इन अ हाउस। क्या आपको नहीं लग रहा है थोड़ा सा ट्रिकी हो गया? इसीलिए मैंने बोला था कि ट्रिकी हो गया, ठीक है। और मैंने आप लोगों को पहले ऑलरेडी इतना एग्जांपल दे दिया कि हाँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रफ शीट में क्वेश्चन नंबर 34 से लेके कैसे लिखना है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। अब एक्चुअली इसे हम लोग थोड़ा सा फास्ट बेसिस पे करेंगे, बिकॉज मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि हाँ क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लिखना है। अब इस तरीके से क्वेश्चन आपको कैसे रीजनिंग में लिखना है, नहीं मेरे भाई, आप लोगों को इतना पता चल गया होगा कि किसी भी सेक्शन में अगर आप लोग फिल्टर करने का कोशिश करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि हाँ क्या क्या क्वेश्चन वहां पर आया है, तो उसको वैसे लिख लीजिए, है ना। अब हर एक सेक्शन में मैं आपको बताने जाऊंगा, आप लोग इतने छोटे तो बच्चे नहीं हैं, इतने मासूम बच्चे नहीं हैं, है ना। छोटा मुन्ना होता ना कि हाँ बिल्कुल छोटा नन्ना मुन्ना राही हूँ टाइप का बच्चा आप लोग तो नहीं है, आप लोग मैच्योर हैं, समझदार हैं। आप लोग पीओ के लिए एग्जाम देने वाले हैं। पीओ बोलने का मतलब अगर प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो मैनेजेरियल लेवल के लिए आप लोग मतलब क्वालिफाइड हो जाएंगे। अब मैनेजर को ये सब बताना पड़ेगा क्या? सोच के देखिए, है ना। आगे चलते हैं। देखिए ये आपका स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट का क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? इसी के बारे में मुझे आपसे बात करना है। एक्चुअली जो गलत है ना ये क्वेश्चन ही साला गलत है। साला गलत बोलने का मतलब ये साला आंसर ही गलत है। क्यों? जो भी गधा इस क्वेश्चन को बनाया है, फ्रेम किया है या इसका आंसर मार्क किया है, वो साला गधा है। उसको क्वेश्चन सेट करना नहीं आता है, वो साला अनपढ़ है। मैं सच बोल रहा हूँ। क्यों? देखिए बताता हूँ। देखिए एक बात बताइए, आपका क्या गिवन है यहाँ पर? द क्वेश्चन गिवन बिलो कंसिस्ट्स ऑफ अ पैसेज फॉलोड बाय 3 arguments 1, 2 and 3। यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द arguments इज आर स्ट्रॉन्ग। देखिए जरूरी नहीं है कि हाँ बाकी सब क्वेश्चन सही हो गया तो एक क्वेश्चन गलत हो गया तो वो गधा नहीं है, वो फिर भी गधा ही है, ठीक है। बिकॉज मुझे मेरे भी लेवल के बारे में पता है ना भाई, मुझे मेरे लेवल के बारे में पता है। दूसरी बात, एक बात और, एक जो मॉक होता है ना उसमें जितना भी आपको क्वेश्चंस गिवन है, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ अ पार्टिकुलर सेक्शन कोई एक ही बंदा बनाए।
हो सकता है कि इस क्वेश्चन को कोई और बनाया होगा, इस क्वेश्चन को मेंबर वन बनाया होगा और जो दूसरा क्वेश्चन है उसे मेंबर टू बनाया होगा, कुछ क्वेश्चन को मेंबर सेवन बनाया होगा, इस तरीके से भी होता है। और तब जाके कलेक्ट करके एक जगह डाल दिया जाता है, ऐसे मॉक का क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किया जाता है। अगर आप लोगों को ये सब नहीं पता है तो भाई आप लोग बहुत ही अभी मतलब क्या मैं बोलूँ कि क्या मतलब क्या ही मैं बोलूँ आप लोगों को, इतना ज़्यादा तो आप लोगों का अवेयरनेस होना चाहिए ना यार, आपके आसपास ही तो सब चीज़ हो रहा है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ, ये आपका पैसेज है मतलब स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें क्या बताना है कि आप लोगों को यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स इज आर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ कर देगा, ठीक है ना, पॉइंट को, एंड विच ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स आर वीक आर्ग्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू एंड अकॉर्डिंगली चूज योर आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इच क्वेश्चन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज इनवाइटेड बीड्स फॉर ऑपरेटिंग ऑफ पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज ओवर 109 रूट्स, ठीक है, 109 से भी ज्यादा रूट्स में, यूजिंग 151 मॉडर्न ट्रेन। किस तरह के ट्रेन यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, मॉडर्न ट्रेन, कितने 151 ऑन द एग्जिस्टिंग रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज द फर्स्ट स्टेप एवर इन द डायरेक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉर रनिंग पैसेंजर ट्रेन ओवर द इंडियन रेलवे नेटवर्क, ठीक है। An estimated of rupees 30,000 crore investment is expected beginning from 2023, ठीक है। इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा, मैं इसको क्या हिंदी में आपको बताऊं, इतना तो आपको पता होगा ना। अब एक बात बताइए, इसमें बताना है ना, इज दिस अ गुड स्टेप फ्रॉम इंडियन रेलवे, जो भी इंडियन रेलवे ने डिसाइड किया है ऑपरेट करने के लिए पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज को ओवर 109 से ज्यादा रूट में, है ना, और कितना ट्रेन को यूज करके, यूजिंग 151 151 मॉडर्न ट्रेन को यूज करके, एग्जिस्टिंग जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उस पे, ठीक है ना, उस पे ही चलेगा, उस पे ही रन करेगा, क्लियर। ये पहला स्टेप लिया गया है डायरेक्शन में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए, जो रनिंग पैसेंजर ट्रेन को मतलब कि रन करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसेंजर ट्रेन पे, ठीक है, ओवर द इंडियन रेलवे नेटवर्क, बोलने का तो जो इंडियन रेलवे का नेटवर्क है उस पे, ठीक है। अब इसके लिए कितना खर्च का अनुमान लगाया गया है, एक्सपेक्टेशन है कितना इस पे लगेगा, 30,000 करोड़, 30,000 करोड़, ठीक है ना। कब से मतलब शुरू होने वाला है, 2023 से, बिगनिंग फ्रॉम 2023, 2023 के शुरुआत से, ठीक है। तो क्या ये एक गुड स्टेप, एक अच्छा कदम है इंडियन रेलवे की तरफ से, फ्रॉम द इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे की ओर से कदम से, है ना। अब इसका आर्गुमेंट क्या क्या गिवन है, यस, ये मतलब आर्गुमेंट नंबर वन है, ये टू है, थ्री है, ठीक है। Yes, an expert committee under the chairmanship of Vivek Debrai had recommended the step in 2015. ठीक है, देखते जाइए, क्या ये भी, क्या ये जो यहाँ पर चेयरमैनशिप हो गया, एक्सपर्ट कमेटी हो गया, ये जो नाम लिख दिया यहाँ पे विवेक देबराय, और स्टेप टेकन इन मतलब रिकमेंड कब किया गया था, स्टेप 2015 में, क्या आपको ये जो पैसेज है या जो स्टेटमेंट है इसमें कहीं पर भी देखने को मिला? अगर आप लोग क्रिटिकल रीजनिंग से अवेयर होंगे, अगर आपका क्रिटिकल रीजनिंग अच्छा होगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा, लॉजिकल स्किल अच्छा होगा, तो आप लोगों को इतना पता होगा ना कि क्रिटिकल रीजनिंग के दुनिया के बारे में, कि जो भी क्रिटिकल रीजनिंग के स्टेटमेंट में गिवन होता है बस वही सच है, बस उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है, उसके अलावा आहार बाहर से कुछ भी दे दे कोई लेना देना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। सोच के देखिए, वो भी अगर ये वीक होता, अगर इसको बोलता कि ये वीक आर्गुमेंट है तो फिर वन सही हो सकता था, बट यहां पर स्ट्रॉन्ग गिवन है, ये गलत है थोड़ा सा, इसको मैं नीचे स्लाइड करता हूं, मैंने क्या किया था ना, मैंने ऑप्शन नंबर टू को स्ट्रॉन्ग कहा था, क्यों कहा था, थोड़ा सा इसे डिलीट करता हूं तब बताता हूं। यस, दिस विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाय रेलवेज ड्यू टू अ हायर फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इसे मैंने स्ट्रॉन्ग इस बेसिस पे कहा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी रेलवे का काम हो रहा है, जो पैसेंजर रनिंग ट्रेन है, पैसेंजर बोलने का मतलब कस्टमर, उसके लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है मॉडर्न ट्रेन को यूज करने के लिए, कस्टमर को यहाँ पर सर्विस अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सोच के देखिए, कस्टमर कहीं ना कहीं यहाँ पर टच हो रहा है ना, कनेक्ट हो रहा है ना,
ठीक है। लेकिन क्या ये जो बंदा है ये कहीं पे भी कनेक्ट हो रहा है? ये जो विवेक देबरॉय पता नहीं क्या क्या लिख दिया है, ये जो 2015 लिख दिया है, चेयरमैनशिप लिख दिया है, एक्सपर्ट कमिटी लिख दिया, कहीं पर भी इसे कोई लेना देना है? कोई भी रिश्ता नाता है स्टेटमेंट से? नहीं है ना। दूसरी बात, इसको तो गलत कर दिया, मैंने बोला चलो भाई ठीक है तुम ही सही, तुम ही जीत जाओ, है ना, मुझसे ज्यादा काबिल हो तुम। अब नो मतलब ये वीक बना रहा, नो मतलब वीक बना रहा। लॉसेस ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इन पैसेंजर सर्विस विल हैव टू बी क्रॉस सब्सिडाइज्ड फ्रॉम फ्राइट कैरेज प्रॉफिट्स ऑफ इंडियन रेलवेज। ये प्रॉफिट्स ऑफ इंडियन रेलवेज, फ्लाइट कैरेज, क्रॉस सब्सिडाइज्ड, ये प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट तो गिवन है बट प्लेयर्स मतलब कहाँ पे गिवन है? स्टेटमेंट में कहीं भी दिखा? कोई लेने देना है इस बात का? अब दूसरी बात, लेना देना उस कंडीशन में भी हो सकता था ना, जब यहाँ पर आपका जो ऑप्शन थ्री है वो बोलता है कि वीक है, बट वो तो है नहीं। अगर ऑप्शन थ्री वीक बोलता तो मैं उसे ही मारता, ठीक है ना। बट यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, ये जो घोंचू जो टेस्ट को बनाया है ना उसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि ओनली वन एंड टू आर स्ट्रांग। अरे बेवकूफ, वन कैसे स्ट्रांग है? वन कैसे स्ट्रांग होगा? वन का तो पूरे स्टेटमेंट में कोई लेना देना ही नहीं है, कहीं पे कोई जिक्र भी नहीं हुआ है, कहीं पे उसके बारे में कोई बात नहीं किया गया है, वो कैसे कनेक्ट कर रहा है? एक्चुअली गलत है यार, मैं आपको क्या क्या बताऊं? अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो अच्छी बात है, बट ये बहुत बड़ा क्रॉस है। जिसने भी इस क्वेश्चन को बनाया है उसको नहीं पता है। एक्चुअली होता क्या है ना कि टेस्ट में गलत क्वेश्चंस होते हैं, हम लोगों को लगता है कि हमें नहीं आता है, और यही कारण है कि आप लोगों को लगता है कि आप लोग क्रिटिकल रीजनिंग में अच्छे नहीं है। क्यों अच्छे नहीं है? क्योंकि आप लोग टेस्ट में अटेम्प्ट करते हैं, टेस्ट में जो लोग टेस्ट को बना रहा है साला उसी को नहीं आ रहा है, तो आपको कैसे आएगा? या आपको कैसे पता चलेगा कि आप लोग सही कर रहे हैं? चाहे आप लोग कितना भी अच्छे सोर्स को फॉलो करके सीख लें, अच्छे टीचर को फॉलो करके सीख लें, समझ रहे हैं? एक्चुअली यहीं से आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है ना वो डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो जाता है। कौन सा क्वेश्चन? क्रिटिकल रीजनिंग का। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि टेस्ट का जो क्वेश्चन का आंसर गिवन है वही गलत है। क्लियर? नहीं पता है ना तो पता कर लीजिए, जाके रैंडम जितना भी आपने टेस्ट दिया है ना सबके क्वेश्चंस को मतलब कि छान मारिए। छान मारने में बोलने का मतलब पूरा का पूरा मतलब देख जाइए भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। आगे देखते हैं। देखिए ये भी आपका जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका इन्फ्रेंस बेस्ड है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को करने में इतना लगा था, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी एक तरीके का आपका मतलब कह सकते हैं ना कि हाँ थोड़ा सा ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन इसे कहा जाता है ना, कंडीशनल क्वेश्चन इसे कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपका जानकारी अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, तो आप लोग इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर नहीं अच्छा है भाई तो प्लीज छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़िएगा, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी आपका वीकेंड वाला जो स्टेटमेंट को वीक कर रहा है, या जो होता है ना कि हाँ स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करना वीक करना, इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन आता है वही है, ठीक है। जैसा मैंने पहले भी क्वेश्चन आपको रेलवे वाला दिखाया, ठीक है ना। अब उसके बाद ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर 45 तक आपका इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो इसको भी आप लोग मतलब लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं पेपर पे कि आपका क्वेश्चन नंबर 42 में क्या आया है, इनपुट आउटपुट आया है, और इस तरीके से आप मतलब चेक कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर करके, ठीक है। अब ये तो हमारा जीए आ गया, इसको तो छोड़ ही देता हूँ मैं, जीए को सबसे पहले छोड़ देता हूँ। देखिए तो ये हमारा रीजनिंग का ओवरऑल मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जितना भी मिसलेनियस क्वेश्चंस होता है ना उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसा होता है जो कि आप सही में कर सकते हैं, खासकर एग्जाम में। टेस्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है लात मारिए उसको, कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि टेस्ट के लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा यार, नहीं देखने को मिलेगा। मैंने आप लोगों को कितना बार बताया है एक्चुअली, पता है क्या? जितना बार मैंने आप लोगों को बताया ना, मुझे नहीं लगता है कि शायद कोई टीचर भी आप लोगों को बताया होगा कि टेस्ट और रियल एग्जाम में कोई लेना देना ही नहीं है। टीचर्स बोलते हैं सही बात है, बट मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है। मैंने अपने ग्रुप पे जो भी मतलब हमारा ग्रुप है जिसमें अभी आई थिंक मोर देन 300+ या 350+ मेंबर्स जो है उसमें, बहुत लोगों को मैंने बता दिया। और कुछ लोग तो उसमें ऐसे हैं जिनको मैंने बहुत बार कहानी सुना सुना के बताया है, एग्जाम्पल दे दे के बताया है। मॉक एनालिसिस भी मैं इसी वजह से करता हूँ बिकॉज मैं उन्हें बता सकूँ कि मॉक का लेवल क्या है, रियल एग्जाम का लेवल क्या आता है। इवन मैंने लास्ट ईयर भी जो एग्जाम दिया था उसके पहले भी मैंने जो एग्जाम दिया है तो मुझे अच्छे से पता है कि हाँ क्या लेवल आता है रियल एग्जाम का। और लास्ट ईयर का तो मैंने मेरा जो भी स्कोर वगैरह था वो उसका मैंने स्कोर कार्ड वगैरह खुद पहले ही सब शेयर कर रखा है। तो इस तरीके से मतलब आपका जो है वो आप लोग मतलब कर सकते हैं, ठीक है। और
जितना भी ड्यूएबल क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप लोग उसी फोकस करें कि आप लोगों को वो अटेम्प्ट ले लेना है, फिर उसके बाद आपको उस क्वेश्चन पे जाना है जो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर आप लोग उसे थोड़ा टाइम देंगे तो शायद बन जाए। फिर उसके बाद आपको पजल पे मूव करना है। अगर आप लोग देखते हैं कि हाँ कोई छोटा पजल है उसे उठाने की कोशिश मत कीजिएगा, बोलने का उसमें अटेम्प्ट लेने की कोशिश मत कीजिएगा, आप फंस जाएंगे बुरी तरह। मान लेते हैं कि अगर वो क्वेश्चन आपको 15 मिनट 20 मिनट खींच ले, आप लोग इसका स्टक हो जाए, सॉल्व नहीं हो पाए, समय किसका बर्बाद होगा? आपका। कॉन्फिडेंस किसका डाउन होगा? आपका। एग्जाम किसका बर्बाद होगा? आपका। डिमोटिवेट कौन होगा? आप होंगे। टेंशन किसका बढ़ेगा? आपका। प्रेशर किसको क्रिएट होगा कि हाँ यार अभी तक हमारा इतना टाइम जा चुका है, कुछ हमने नहीं किया, एक भी क्वेश्चन नहीं किया। स्ट्रेस लेवल किसका हाई होगा? आपका। पहला अगर मान लेते हैं कि सेक्शन आपका रीजनिंग ही देखने को मिल जाए, अगर उसमें ही अगर आपका ऐसा हाल हो जाएगा तो क्या उसका इम्पैक्ट आप लोगों का आगे आने वाले जितने भी सेक्शन होंगे, जो आपका मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया और जो जीए हो गया, क्या उस पर आपका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा उस गलती का जो आप पहले कर चुके हैं रीजनिंग के सेक्शन में एक पजल को उठा के, या मैथ्स के सेक्शन में एक डीआई को उठा के स्टार्टिंग में? क्या समझ में आ रहा है? कुछ स्मार्ट बनना है, स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और फिर एग्जाम क्लियर हो जाएगा अगर आपका तैयारी अच्छा है ना, आपने प्रैक्टिस कर रखा है। एंड इवन जिन सोर्सेज के बारे में मैंने बताया था अगर आपने उन्हें सही में फॉलो किया है ना, तो मैं सच बताता हूँ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं जीए को। तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये भाई पता नहीं क्या क्या, मतलब 2021 का ही पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है ना, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत ओल्ड था, ठीक है। तो इसको देखने का फिर कोई मतलब नहीं बनता है। और हाँ, जीए में भी वही क्वेश्चन को करना है जिन क्वेश्चन में आप बिल्कुल श्योर हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। तुक्का नहीं मारना है, गेस वर्क नहीं करना है। क्यों? गलत हो जाएगा, गलत होगा तो निगेटिव किसका जाएगा? आपका जाएगा। अब मान लेते हैं कि अगर आपका गलत ही ज्यादा हो गया तो जो आपका सही होगा उसे डिडक्ट होगा, उसे डिडक्ट होने के वजह से, उसमें डिडक्ट होने की वजह से मान लेते हैं कि अगर आपका सेक्शनल कट ऑफ रुक जाए तो नुकसान किसका होगा? आप ही का होगा। क्या इंग्लिश को देख लेते हैं? देखिए इंग्लिश के लिए मैं बस इतना ही बोलूंगा, अगर आपका इंग्लिश में कमांड अच्छा है, आरसी वगैरह का नॉलेज अच्छा है, कॉम्प्रेहेंसिव स्किल अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, अगर रीडिंग आप फास्ट कर लेते हैं, या जैसा मैंने हमेशा बताया कि द हिंदू वगैरह को पढ़ना चाहिए या रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, एरर वगैरह को तभी देना चाहिए, मतलब अटेम्प्ट, जब आप लोग उसमें ज़्यादा श्योर हैं, आप लोगों को पूरा का पूरा रूल्स अच्छे से आता है, ठीक है, ना कि सिर्फ आप लोग उसमें मतलब एक तरीके का इंट्यूशन पे काम करें कि हाँ अगर लग रहा है कि ये सही है तो शायद वो सही हो जाएगा, है ना। अगर आपको रूल अच्छे से आता है उसके अकॉर्डिंग अगर वो एरर जो है वो आपका फाइंड हो रहा है ना, तो फिर उसे अटेम्प्ट करना है, वरना प्लीज आगे बढ़िए। पैराजम्बल्स में क्या करना है, देखिए मैं आपको एक छोटा सा बात बता ही देता हूँ, है ना, आपके भले के लिए। पैराजम्बल में क्या करना है, मान लेते हैं कि आपका 5 क्वेश्चन का पैराजम्बल देखने को मिले, अगर उसका आपको फर्स्ट जो सेंटेंस है वो पता चल गया, सेकेंड भी पता चल गया, और फिफ्थ वन या तो लास्ट वन अगर पता चल गया तो इन्हें कीजिए, बाकी जो आपका थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया सेंटेंस, या मान लेते हैं कि 6 सेंटेंस का पैराजम्बल है तो फर्स्ट पता चल गया, सेकंड पता चल गया, चलिए 3 भी पता चल गया और 6 पता चल गया, या तो जो लास्ट है वो पता चल गया, इन्हें मार्क करें, आंसर करें और आगे बढ़ें। जरूरी नहीं है कि पूरा के पूरे पैराजम्बल को आपको सेट ही कर देना है, पूरा का पूरा अरेंज ही कर देना है। मान लेते हैं कि अगर आपका बीच का गड़बड़ हो जाए, जो मिडल वाला आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वहां पर एक्यूरेसी किसका खराब होगा? आप ही का होगा, ठीक है। और उन्हीं क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करें जिन क्वेश्चंस को आप लोग इजीली श्योर शॉट मतलब बना सकते हैं, जिनमें आप गेस वर्क नहीं करेंगे और जिनमें एक्यूरेसी को आप मेंटेन करके रखेंगे। और कोशिश करना है कि जिस भी क्वेश्चन में आप फंस रहे हो आगे बढ़े ना, क्यों अटकना है? पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको जरूरी है कि बना ही लेना है, मेंस का एग्जाम है ना, कम बनाएंगे, एक्यूरेसी के साथ बनाएंगे, एग्जाम निकालेंगे क्या? और हाँ, आरसी को प्लीज ब्लास्ट में कीजिएगा, बिकॉज पहले आपको वन लाइनर्स पे फोकस करना चाहिए। अगर वन लाइनर्स आप मतलब कम टाइम में निकाल लेते हैं ना, तो फिर आपके पास जितना भी टाइम बचेगा उसमें आप आरसी को इन्वेस्ट कर दें, मतलब कि उन टाइम को आप आरसी में इन्वेस्ट कर दें, है ना। तो इसी तरीके से आपको बस इंग्लिश को करना है। इंग्लिश में एक्चुअली और भी कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं रहता है, इंग्लिश का बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी रहता है, कम करें, एक्यूरेसी के साथ करें, और इजी क्वेश्चंस को पहले करें, ड्यूएबल क्वेश्चंस को पहले करें, वन लाइनर को पहले करें,
आरसी के क्वेश्चंस को बाद में करें। आरसी में अगर इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चंस में आप फंस जाते हैं तो उसको छोड़ दें, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाने के वजह से या थोड़ा सा अगर आप इंटरप्रिट कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो फिर अटेम्प्ट लें, है ना। वरना अगर फंस जाते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आगे बढ़े ना, छोड़ के आगे बढ़े, क्या बस यही है। और जो पैराजम्बल वगैरह में गलती होता है ना, उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप उसमें सही कर सकते हैं और कितना सही कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपको सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड ही मिल रहा है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स नहीं मिल रहा है, दो क्वेश्चन कीजिए, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, इंग्लिश का हमारा काम खत्म होता है, हम लोग डायरेक्ट मूव करते हैं मैथ्स पे, ठीक है जी। एक मैंने आपको बता ही दिया कि जो करना है सही करना है, तुक्का वगैरह नहीं मारना है, गेस वर्क नहीं करना है। क्लियर जीए के लिए मैंने आप लोगों को एक बात और बोला था, जीए के लिए कंप्लीट रिवीजन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, उसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा थर्सडे को, ठीक है ना। 12 बजे तक मैं वो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोगों के पास जो भी मतलब फ्राइडे तक का टाइम है, तब तक के लिए आप उसे मतलब एक बार दो बार आप उसे मतलब फास्ट प्ले करके भी, जो आपका होता है ना कि हाँ 1.5x पे प्ले करके आप उस सेशन को देख सकते हैं। मेरे साइड से कोशिश रहेगा कि मैं सब मतलब उसमें करवा दूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग कम से कम उस सेशन को देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो अच्छा, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं किया अभी तक, आप लोग टेंशन में हैं कि कहाँ से क्या करें, उस सेशन को देख लीजिएगा, आपका काम उसके बाद भी हो जाएगा। कट ऑफ वगैरह का तो मैं रुकने नहीं दूंगा, कट ऑफ आपका मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसे आप लोग जानते होंगे क्या बोलता है, इसे बोला जाता है सीरीज का क्वेश्चन। ये एक्चुअली इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज वगैरह का भी गिवन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो मैंने अटेम्प्ट ले लिया था, और ये जो क्वेश्चन है आपका तीन सेट का क्वेश्चन था, ये आपका तीन सेट का क्वेश्चन था, 1-3, ठीक है। अब मैथ्स में भी क्या करना है ना, ये जो आपका क्वांट है उसमें क्या करना है, या डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में क्या करना है, सिंपल है। जो आपको रफ शीट मिला है वो किस लिए मिला है, सिर्फ रीजनिंग और क्वांट में ही तो आपको रफ शीट को यूज करना है, सिर्फ रीजनिंग और क्वांट में ही तो आपको रफ शीट को यूज करना है क्या। देखिए, आपको क्या करना है ना, ये मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर वन है आपका, मतलब कि रॉन्ग नंबर सीरीज, तो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एन लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पहले अटेम्प्ट नहीं करना है, पहले एकदम अटेम्प्ट नहीं करना है, पहले हम लोग सारा क्वेश्चन को देखेंगे कि जितना भी 35 क्वेश्चन आपका मैथ्स में देखने को मिला है वो क्या है, 35 क्वेश्चन से आपका मैथ्स में आता है, ठीक है, वो क्या है, है ना, कौन कौन से मतलब कि किसके टॉपिक्स आया है। तो सेकंड देखे तो सेकंड भी आपको पता चलेगा यार ये भी तो रॉन्ग नंबर सीरीज है। अब किस कंडीशन में आपको पता चलेगा कि रॉन्ग नंबर सीरीज है, तो जब आपको यहाँ पे गिवन नहीं होगा कि रॉन्ग नंबर सीरीज है, ठीक है, तब आपको नेक्स्ट करके देखना पड़ेगा कि कितना क्वेश्चन आया है रॉन्ग नंबर सीरीज का या किसी भी टॉपिक का, ठीक है। क्लियर, देखिए मेरा वीडियो लेंदी इसी वजह से हो जाता है ना, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बकवास कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में चला जाता हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, वरना दूसरे रैंडम जो लोग हो गए ना, वो क्या करेंगे, छोटा छोटा वीडियो बना के आपको डाल देंगे, आपको समझा देंगे, और उनका काम भी हो जाएगा, और भले आपका काम हो ना हो, आप लोगों को सही तरीके से चीज़ों को समझ मतलब आए या ना आए, मैं अपने साइड से कोशिश करता हूँ ना कि मैं आपको सब कुछ बहुत ही मतलब क्लैरिटी के साथ बता पाऊँ, सही तरीके से बता पाऊँ, समझा पाऊँ। इस बात से जो मेरा वीडियो ने वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, बस यही कारण है, ठीक है। वरना मुझे खुद कोई शौक नहीं है कि हाँ मैं वीडियो को इतना मतलब लेंदी कर दूँ, मेरा खुद का भी तो टाइम जा रहा है ना, है ना। चलिए देखते हैं आगे, तो मान लेते हैं कि अगर आपका ये थर्ड क्वेश्चन पे आप आ गए, है ना, अब जब आप फोर्थ पे मूव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार क्वेश्चन चेंज हो गया। इसका मतलब आपको क्या सीखने को मिला या क्या जानने को मिला कि क्वेश्चन नंबर वन से मतलब कि 1-3 या तो 1-3 तक आपका रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है, या रॉन्ग पैटर्न का था, है ना, रॉन्ग पैटर्न सीरीज। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखेगा, और स्क्रीन में डिलीट कर देता हूँ, आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखा, इसमें क्या दिखा कि वन ऑफ द टर्म्स गिवन इज रॉन्ग विच इज डिनोटेड बाय एन। एन बोलने का मतलब क्या है ना कि इसमें से एक ऐसा टर्म है जो कि गलत है, जिसे किससे डिनोट किया गया है, तो गलत वाले को ही एन से डिनोट किया गया है। हो सकता है कि रॉन्ग वाले को डब्ल्यू से डिनोट करता, डी से डिनोट करता, पी से डिनोट करता। इस तरीके से आपको क्वेश्चन वहां पे मतलब मिलेगा कि आपको पी लिख देगा, क्यू लिख देगा, आपको उसे समझना है कि वो सिर्फ रॉन्ग टर्म को डिनोट कर रहा है, रॉन्ग टर्म के जगह पे उसको लिखा गया है, ठीक है, किसको, पी को, क्यू को, आर को, एस को, एफ को, डी को, टी को, बस इतना तो आप लोग शायद समझ सकते हैं ना। उसके बाद क्या है कि रॉन्ग टर्म को मतलब आप एन समझेंगे, फिर आप एन बाय 30 कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी बनेगा तो वो क्या, वो एक प्राइम नंबर बन रहा है, तो क्या वो आपका एक प्राइम नंबर बन रहा है, तो हाँ बन रहा है।
तो क्या वो नंबर, जैसे कि जो भी आपका एन प्लस 30/1 करके आता ना, इसमें मतलब कि एक रॉन्ग नंबर सीरीज है, तो रॉन्ग नंबर वाला जो पैटर्न है उसे फाइंड करके उसमें बाई 30 करना था, प्लस 1 कर देना था, उसके बाद क्या वो रॉन्ग प्राइम नंबर बन रहा है, तो हाँ एक्चुअली आंसर ये हमारा ठीक है। बट क्या वो इट इज नियरेस्ट टू 40, क्या वो 40 के नजदीक है, 40 के नजदीक बोलने का तो 39 या 41, क्लियर। विच इज क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 5, तो क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 आपका क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि 40 हो गया तो 39 क्या आपका 40, अगर क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 है तो 39 ही होगा ना, अगर 41 है तो भी 40 आपका क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 होगा ना, क्लियर। इसीलिए मैंने क्या बोला 39 41, क्लियर। देखिए सम ऑफ डिजिट इज लेस देन 9, जो भी इसका डिजिट आएगा ना, जो भी इसका मतलब कि मान लेते हैं कि ये 23 आ गया, 23 ठीक है, या मान लेते हैं कि 47 आ गया, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 7 4 11, क्या ये 9 से छोटा है, नहीं ये 9 से बड़ा है। 2 3 का ये अगर मान लेते हैं 23 है, 23 का सम कितना आ रहा है 2 3, सम ऑफ डिजिट बोलने का मतलब डिजिट क्या है 2 और 3, 2 और 3 का सम कितना होता है 5, क्या ये 9 से छोटा है, हाँ जी 9 से छोटा है। मान लेते हैं कि अगर आपका आ जाता है 37, 7 3 मतलब 7 3 10 हो गया, 10 आपका 9 से बड़ा है। मान लेते हैं कि आपका 4 और 43 आ गया, 7 7 आपका 9 से छोटा है, क्लियर। ऐसे ये बताना था, इस तरीके से आपका देखने को मिलता है। आई थिंक आपको इतना जानकारी होगा, नहीं है तो प्लीज जानकारी को बढ़ाइए। देखिए ये आपका जो प्रोबेबिलिटी होता है ना उसका क्वेश्चन था 5 से लेकर 6 तक, ठीक है। अब इसमें भी आप लोग क्या कर सकते हैं कि सिंपल है, लिख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, तो प्रोबेबिलिटी था, प्रॉब लिख लीजिए, है ना। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे, नहीं पता है कि यहाँ पे आपको ये नहीं गिवन है, नहीं गिवन है, नहीं दिया है ना, नहीं पता है कि कितना से लेकर कितना क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिला है, किस टॉपिक से, है ना। तो वहां पे आप क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो फिर से दिखेगा प्रोबेबिलिटी, फिर से नेक्स्ट करेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो जब चेंज हो गया तो 2 ही क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का, अब वो 2 क्वेश्चन कौन से होंगे, 5 एंड 6 होंगे, किसके, प्रॉब के, प्रोबेबिलिटी के, क्लियर। अकाउंट लेना है नहीं लेना है वो सब बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको रफ शीट में लिख लेना है, इतना आप कर सकते हैं ना अपनी साइड से 2 3 4 मिनट दे के, बिल्कुल कर सकते हैं और आपको करना चाहिए, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, क्लियर। अब ये जो आपका एक DI है, इस DI के बारे में क्या करना है, नोट कर लेना है कि कौन सा DI है आपका, तो ये आपका पाई चार्ट DI है, ठीक है। कौन सा पाई चार्ट DI है, तो डबल पाई चार्ट DI है। देख रहे हैं क्वेश्चन का एक्चुअली कितना ईजी है, लेकिन मॉक वगैरह के क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, है ना। देखिए इसमें क्या है ना, टोटल कुकीज गिवन है और इसमें चॉकलेट फ्लेवर्ड कुकीज जो है वो गिवन है, ठीक है। तो जो दूसरा जो बाकी के बचे वो कुकीज होंगे ना, वो कुछ और फ्लेवर्ड के होंगे, है ना। देखिए मतलब कि बटर स्कॉच फ्लेवर कुकीज, ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब इसी लेवल का आता है मेरे भाई। सोचिए 4 फरवरी 2021 को जो एग्जाम हुआ है ना, यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो क्या गिवन है, हेल्ड ऑन 4 फरवरी 2021 को, IPS प्योर मेंस मेमोरी बेस्ड पेपर, है ना। और पिछला बार का भी क्वेश्चन इजी आया था, अब कोई पढ़े नहीं करेगा तो क्या बोलेगा कि नहीं आता है, नहीं बनता है उसे, है ना। पढ़े नहीं करने का मतलब जो पढ़ेगा नहीं, है ना, एक्चुअली हम अपने साइड अपने लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, है ना। अब इसमें क्या करना है कि मान लेते हैं कि आपका रफशीट है, लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें क्या है, तो DI है, कौन सा DI है, PIY पाई चार्ट DI है। तो क्या डबल पाई चार्ट DI है, तो 2 2 पाई लिख लेंगे या तो डबल लिख लेंगे इस तरीके से। अब क्वेश्चन को चेक करेंगे कि 3 क्वेश्चन का ज्यादा से ज्यादा आपको कई बार होता क्या है ना, ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन का सेट देखने को मिलेगा DI का, या कम से कम तो 3 का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करके देखेंगे, फिर से DI है, हाँ जी है, थर्ड में भी है, हाँ है, फोर्थ में है, हाँ, फिफ्थ में है, हाँ। अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि 5 क्वेश्चन कम से कम तो DI का है, तो 7 से लेकर 11 तक हो गया, या तो 7 to 11 ऐसे लिख दीजिए, या तो 7 to 11 लिख दीजिए, क्या आगे बढ़िए, फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब ये क्या है, ये आपका लाइन ग्राफ है, लाइन ग्राफ विथ टेबल है, मतलब मिक्स चार्ट इसे कहते हैं, है ना, या मिक्स ग्राफ इसे कहते हैं, आपको दो दो मतलब गिवन है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिलीट करेंगे स्क्रीन को, पेन लेंगे, पेन का पता नहीं कलर आज कैसे चेंज हो गया, पिंक हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे, क्या है ये, लाइन प्लस टेबल, लाइन प्लस टेबल, या तो 12 लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, और ये मिक्स चार्ट या मिक्स DI, बस ऐसे लिखेंगे। फिर क्या करना है, नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। अब हमको समझ में आ गया, कह रहे यार 6 क्वेश्चन था, तो क्या कर देंगे,
इसको 12 से लेके इसे 16 कर देंगे, या तो 12 टू 16 कर देंगे। देखिए आप 12 से 16 करें या 12 टू 16 करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ इस तरीके से आपको करना चाहिए, एंड वन करना होगा अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इस तरीके से आपको करना होगा। मैं जो इतना टाइम दे के आपको इन सब चीज़ों को बता रहा हूँ ना, इससे मेरा कोई फायदा सच में नहीं होगा। सच में ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, व्यूज आ जाएगा, उससे ज़्यादा क्या होगा, कुछ सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, उससे ज़्यादा क्या होगा, मेरा एग्जाम निकल जाएगा, मैंने निकाल रखा है ना। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि अगर आप पहले कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं नहीं निकल पा रहा है, बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, पूरा का पूरा मतलब मोटिवेशन आपका डाउन हो चुका है, पूरा बर्बाद हो चुका है, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, घर वाले भी बोल रहे हैं कि बेटा कब करोगे, कितना टाइम से लगे हुए हो, पड़ोसी अड़ोसी जो भी मतलब दो दो कौड़ी के लोग होते हैं सब आपका मजाक उड़ा के चला जाता है। हो सकता है कि इन सब इस जो मैं बता रहा हूँ ना उन्हें फॉलो करने के वजह से आपका एग्जाम निकल जाए, सब लोगों का मुंह बंद हो जाएगा, अभी नहीं तो कब करेंगे। आपको पता नहीं इस बार IPS PO का वैकेंसी कितना ज्यादा हाई है, इस बार बस हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना है। देखिए मेरा बात आप लोगों को बुरा लग सकता है बिकॉज मैंने पहले ही बोला है कि मैं थोड़ा सा ऑनेस्ट बोल देता हूँ, मतलब मैं ज़्यादा फ्रैंक हूँ, है ना। मैं मतलब मैं जनरली होता क्या है ना कि मैं मतलब इसी तरीके से बोलता हूँ भाई, इसी तरीके से बोलता हूँ, मैं ऑनेस्ट ही ज़्यादा बोलता हूँ, तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए और समझ जाइए, आप ही का भला होगा, आप ही का नौकरी होगा, आप ही का जॉब होगा, आप ही के यहाँ तनख्वाह आएगा, पैसा आएगा, अकाउंट में सैलरी आएगा, क्रेडिट होगा, आपका लाइफ अच्छा हो जाएगा, घर बार अच्छा हो जाएगा, फैमिली वाले खुश हो जाएंगे, माता पिता खुश हो जाएंगे, है ना, और कहीं ना कहीं करियर आपका सेट हो जाएगा, क्या समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, बहुत भाषण दे दिए। अब ये आपका क्या है, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉलम, मैच द कॉलम बेस्ड इसे कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये करना आता है, करना क्या आता है, बस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो सब कुछ हो जाएगा भाई, सब कुछ हो जाएगा, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है सब कुछ हो जाता है। अब मान लेते हैं कि अगर आपका एक 17 नंबर का क्वेश्चन है तो क्या कर देंगे, 17 लिख देंगे, 17 ऐसे लिख दिए, क्या लिख देंगे, MTC मैच द कॉलम, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, फिर दो क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है, जैसे रहेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद ये आपका क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका टेबल बेस्ड DI है। इसमें क्या किया मैंने कि आपका फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा ऑफ 5 villages इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, मतलब कि लिटरेसी के टर्म्स पे है ना, 5 villages के बारे में, 5 गांव के बारे में यहाँ पर आपको डेटा प्रोवाइड किया गया है। अब उसमें क्या क्या गिवन है डेटा में देख लेते हैं। टोटल पॉपुलेशन है, विलेज का नाम है PQRST, टोटल पॉपुलेशन है 44,500, 35,500, 30,200, 25,750 और 45,000। परसेंट ऑफ लिटरेट्स कितने हैं इसमें, परसेंट ऑफ लिटरेट्स मतलब कि टोटल इंक्लूडिंग ऑल मेन एंड वोमेन, बोलने का मतलब इंक्लूडिंग ऑल फीमेल एंड मेल, ठीक है, तो 20%, 40%, 30%, 72%, 83%। अब परसेंट ऑफ लिटरेट फीमेल कितने हैं आउट ऑफ दिस, तो वो है 45, 25, 60, 35, 55। अब परसेंट ऑफ इलिटरेट मेल कितने हैं, तो जो आपका देखिए अगर आपने परसेंट ऑफ लिटरेट्स गिवन है, अब जब परसेंट ऑफ लिटरेट्स गिवन है तो क्या जितना भी आपका 80% बचेगा टोटल पॉपुलेशन में से, क्या वो आपका इलिटरेट नहीं होगा, इलिटरेट होगा। अब उसके बाद आउट ऑफ दिस 20% फ्रॉम मतलब टोटल पॉपुलेशन का अगर 20% अगर निकाल लेते हैं आप, जो भी आपका निकलता है, ठीक है ना, अगर मान लेते हैं कि आपका जो भी आपका निकलता है, तो उसके बाद आपका जो 45% का अगर आप फीमेल निकाल लेते हैं, तो जो आपका 55% है, क्या वो आपका लिटरेट्स का मेल का परसेंट नहीं निकल जाएगा, या लिटरेट्स का आपका मेल का नंबर नहीं पता चल जाएगा, पॉपुलेशन नहीं पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। अब उसके बाद 80% में से जो आपके 30% इलिटरेट मेल हैं, तो जो 70% कितने होंगे आउट ऑफ दैट 80%, अगर पॉपुलेशन आपका पी में 44,500 है, उसमें से जो आपने जितना निकाल लिया लिटरेट का, तो जो भी आपका बचा 80% के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन, ठीक है ना, 20% को घटाने के बाद, तो वो आपका जो भी होगा, क्या वो इलिटरेट का होगा। अब उन इलिटरेट में से आपको गिवन है कि 30% ऑफ दैट 80% जो वैल्यू उसका आएगा, जो पॉपुलेशन आएगा, इलिटरेट मेल हैं, तो क्या जो 70% होंगे वो इलिटरेट फीमेल होंगे, हाँ होंगे, बस वही तो करना था। उसके अनुसार आपको ये सब क्वेश्चन इस तरीके से बड़ा बड़ा छोटा छोटा जो भी है वो दिया रहेगा,
आगे बढ़िए कीजिए क्या। अब इस क्वेश्चन को भी मैंने बता देना वो कैसे लिखना, अच्छा नहीं बताया था क्या, ठीक है क्या लिखेंगे 19 करके लिख देंगे। आपका डीआई है क्या, डीआई है तो टेबल डीआई है, बस सिंपल आगे बढ़ेंगे फिर क्या। पांच क्वेश्चन का सेट था आपको पता चल गया, पांच क्वेश्चन का सेट कैसे पता चला, मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आ गया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 24 आपको देखने को मिला है ना, उसमें क्या है क्या कि क्वेश्चन नंबर 19 आपने यहां पर लिखा, तो 19 से 25 अगर आप क्वेश्चन नंबर 24 में चले गए तो 23 तक आप रहे होंगे डीआई में। बोलने का मतलब 19 20 21 तीन हो गया, 22 23 पांच हो गया, क्लियर। आप इतना तो आई थिंक कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, पीओ का अगर आप एग्जाम देने वाले हैं मेंस का तो इतना तो कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग सबसे मतलब इसे वाइंड अप करेंगे। काफी ज्यादा मैंने डिटेल में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, काफी मैंने यहाँ पर अपना एनर्जी वेस्ट किया है। आप लोग अगर देखेंगे इस सेशन को, कुछ समझ में आएगा तो फायदा आपका होगा, वरना मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा क्या। देखिए अब ये जो है आपका डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, अगर आप लोगों का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है अगर उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। मैंने बनाया नहीं इसके अकॉर्डिंग मत बोलिए कि हाँ मतलब मैंने तो बनाया नहीं तो मैं कैसे इजी बोल रहा हूँ, मैंने बनाया नहीं तो मैंने कुछ और क्वेश्चंस को बनाया था ना जी, एग्जाम में सारा क्वेश्चन थोड़ी बनाना होता है। अब दूसरी बात एक बात और मैं बता देता हूँ, मैं आपको बता ही देता हूँ बहुत जरूरी है, पेन नहीं छूजूगा क्या। हाँ देखिए क्वांट में आपको सबसे पहले डीआई को नहीं करना है, नोट कर लेना है लेकिन सबसे पहले डीआई को नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि डेटा सफिशिएंसी वगैरह में अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके अगर आपका स्कोर आ जाता है, अटेम्प्ट हो जाता है, बढ़ जाता है अटेम्प्ट, तो वो करना है। दूसरी बात अगर क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन देखने को मिलता है और अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके अगर आपका उससे अटेम्प्ट बन जाता है तो वो करना है, जैसे कि आपका डीएस हो गया। देखिए अटेम्प्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए क्वांट का, डीएस ऑब्लिक क्वांटिटी कंपैरिजन, है ना, या जिसे हम लोग Q1 Q2 बोलते हैं, है ना, या तो 1 ऐसे लिख लीजिए 2 ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब ये आपका करना चाहिए, करने का मतलब आपका ऑर्डर होना चाहिए। अब उसके बाद कुछ मिसलेनियस वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन, जैसे आपका मतलब कि जो अल्फा अल्जेब्रा बेस्ड जो नंबर सीरीज होता है, या थोड़ा बहुत जो आपका अल्जेब्रा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, या जो नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, अगर वो सब आता है तो उन सब क्वेश्चंस का अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट आता है ना तो आप उन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आपका स्कोर भी अच्छा आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको फिर क्या करना चाहिए, तब उसके बाद अगर मान लेते हैं कि आपके पास आता है कुछ मैच द कॉलम टाइप का या थोड़ा सा न्यू टाइप का कुछ, कोशिश कीजिए उसे समझने का, समझ में आता है तो ठीक है, बट नहीं आता है तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे आगे बढ़ेंगे, है ना। अब फिर उसके बाद आपको डीआई पे मूव करना चाहिए। अब किस तरह के डीआई पे, उस तरह के डीआई पे मूव करना चाहिए जो कहीं ना कहीं आपको इजीली आप उसे क्रैक कर पा रहे हो, वरना जिस डीआई को क्रैक करने में ही आपको समय जा रहा है और अगर उसका क्वेश्चंस वगैरह भी थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा ट्रिकी है, कैलकुलेटिव ज्यादा है, तो क्या उस डीआई को पहले हाथ लगाना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना, क्लियर है। अब वो डीआई लॉजिकल भी हो सकता है, हो सकता है कि वो डीआई आपका लॉजिकल हो जाए जो थोड़ा सा इजीली आप उसे क्रैक कर दें, है ना, क्योंकि एग्जाम में आपका बहुत ही मतलब इजी लॉजिक वाले डीआई आते हैं, मॉक वगैरह की तरह देखने को नहीं मिलता है कुछ भी मतलब अचानक से दे दिया आपके सामने, है ना, वैसा नहीं आता है, इजी आता है जिसको आप लोग क्रैक कर सकते हैं, इंटरप्रिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मान लेते हैं कि आपका अर्थमेटिक बेस्ड डीआई आ जाता है तो आप लोगों का अगर कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है तो उसे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका अटेम्प्ट करना चाहिए और रीजनिंग का मैंने बता दिया, इजी क्वेश्चंस को पहले करना है मिसलेनियस के खासकर, उसके बाद फिर जो थोड़े से नए टाइप के हो गए उन्हें उन पे फोकस करना है, उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है, फिर आपको पजल पे मूव करना है वो भी अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंग्लिश में मैंने आप लोगों को बता दिया कि इंग्लिश में आप लोगों को सबसे पहले वन लाइनर्स या जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि अगर उन्हें छोड़ दिया जाए सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो उन्हें पहले करना चाहिए। और उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए कि एक्यूरेसी पे ध्यान देना चाहिए, कम अटेम्प्ट करना चाहिए, पैराजंबल में जितना भी आपका सेंटेंस सही तरीके से आपको पता चल रहा है कि हाँ बिल्कुल सियोर यही होगा, बस उन्हें आंसर करना चाहिए, मतलब कि उन्हें अटेम्प्ट करना चाहिए, बाकी को छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अब ये जो स्ट्रेटेजी है क्या ये सिर्फ मेंस के लिए काम आएगा, नहीं, प्री के लिए भी काम आएगा।
हाँ प्री में कम टाइम होता है, बट कोई बात नहीं, इंग्लिश में तो कम से कम आप एक्यूरेसी ध्यान दे सकते हैं ना, पैरा जंबल को तो कम से कम इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं ना, अगर आपका दो तीन क्वेश्चन उसमें गलत हो जाता है तो जो सही हो रहा है बस वही करेंगे, गलत होने का चांस ही नहीं रहने देंगे, है ना। क्लियर। चलिए तो इस तरीके से आपका जो डीएस वगैरह हो गया उसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह सिंपल इंटरेस्ट वगैरह ये सब क्लियर हो तो। ठीक है, और आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए ये जो है ये भी आपका डीएस का क्वेश्चन है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड है, प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड है। ठीक है, तो इसे भी अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है तो बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन हो गया ये आपका आई थिंक एवरेज गया क्या, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन डांसिंग पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये एक्चुअली आपका अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आप लोगों का आता है, मैंने तो इसे वैसे कर दिया था, 1 मिनट 58 सेकंड लगा था, ये 54 सेकंड पता नहीं इसको कैसे लगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव ये था, तो बताया गया सिंपल सा, अगर आपको आता है तो आप लोग इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बट हाँ क्वेश्चन आपको ज्यादा लेंदी ज्यादा ट्रिकी देखने को नहीं मिलेगा, डुएबल ही देखने को मिलेगा। ठीक है ना, मतलब हाँ मॉडरेट आएगा बट बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा, मतलब कि मॉक के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा, है ना, ये मॉक के साथ एकदम नहीं आएगा। आगे देखते हैं हम लोग अब। देखिए ये जो है ये भी आपका जो क्वेश्चन है ना, ये आपका टीएसडी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन मतलब ट्रेन बेस्ड है, ट्रेन बेस्ड है, जो टीएसडी का ही आता है ना ट्रेन वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपका आ सकता है। ये आपका जो क्वेश्चन है 28, 29, 30, 31, 32, 5 क्वेश्चन का सेट आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो कैसे करना था मैंने क्या बताया, 28 लिख लेना है आपका टीएसडी या तो ट्रेंड्स बेस्ड लिख लेना है और आगे बढ़ना है, मूव करेंगे सबसे पहले चेंज करेंगे नेक्स्ट करेंगे, पता चलेगा कि अरे यार इसका तो 32 तक है, 5 क्वेश्चन है, तो लिख देना है कि हाँ क्या था कि आपका 28 से लेके 32 तक था। ठीक है, या तो 5 क्वेश्चन आपका ट्रेंड्स का आया है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है तभी इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, वरना ना करें। ठीक है ना, अब उसके बाद आपका जो 2 क्वेश्चन का सेट देखने को मिला है, 3 क्वेश्चन का सेट, 33, 34, 35, 33, 34, 35। ठीक है, ये आपका क्या है, अ स्टूडेंट गोज शॉपिंग बाय बाइसाइकिल एंड ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर टू रीच द शॉप इन 15 मिनट्स। ठीक है, 10 किलोमीटर वो जाता है कैसे, शॉपिंग के लिए जाता है, बाइसाइकिल से जाता है। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर का शॉप जाने के लिए। ठीक है ना, टू रीच दी शॉप डिस्टेंस है 10 किलोमीटर का, मतलब कि मान लेते हैं कि वो घर पे रहता है, घर से जो शॉप का डिस्टेंस है ना वो 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर दूर है शॉप। ठीक है, कैसे जाता है, बाइसाइकिल से जाता है, मतलब कि साइकिल से जाता है। ठीक है, और कितना समय उसे लगता है, 50 मिनट्स। ठीक है, या 50 मिनट्स बोलने का मतलब अगर हम लोग आवर में देखेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 50/60। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं, इसे आप 5/6 लिख सकते हैं, है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं क्या। और मतलब ऐसा मैंने आपको बस शॉर्टकट में बता दिया है ना। और बाकी जो आपका मतलब इसमें है तो मतलब आप इस तरीके से अगर देख सकते हैं, ठीक है ना, मैंने जिस क्वेश्चन को देख रहे हैं आप, मैंने अटेम्प्ट किया था ना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर तो आप इसे अटेम्प्ट बिल्कुल कर सकते हैं। और कैसे करना है अटेम्प्ट, सबसे पहले तो क्या करना है, नोट कर लेना है कि 33 नंबर में क्या है, तो आपका ये भी जो है वो टीएसडी बेस्ड ही क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर आगे बढ़ना है, नेक्स्ट करना है, 34 में भी क्वेश्चन है उसी का, 35 में भी है, तो क्या कर लेंगे, पेन को सबसे पहले, पेन को तो मुझे यहाँ पे एक्चुअली यूज करना पड़ता है, ठीक है ना, बार बार चेंज करना पड़ता है ना, तो 33 से लेके 35 तक है, बोलने का जो 3 क्वेश्चन का सेट है क्या का, टीएसडी का। अब अगर आपका कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आपने जीओ को अच्छे से रिवाइज कर लिया है कम से कम 4 महीना का भी 3 महीने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर इंग्लिश पे आप लोग एक्यूरेसी को बना के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, कम करते हैं लेकिन एक्यूरेसी के साथ करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लोग मॉक टेस्ट में परेशान थे, मॉक टेस्ट में आप लोगों का क्वेश्चन वगैरह सॉल्व नहीं होता था, रियल एग्जाम में जाएंगे अगर आप लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रखा है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, टॉपिक वाइज क्लियर है, ठीक है ना, रीजनिंग में आप लोग डायरेक्ट पजल को नहीं उठाते हैं, बेवकूफ़ी वाला हरकत नहीं करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा से मतलब क्या है, मतलब कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा, आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अगर मैंने आप लोगों को जैसे बताया, आप अगर आप लोग उस तरीके से ये पेपर को अटेम्प्ट करते हैं ना, और कम से कम रफ सीट को सही तरीके से यूज करते हैं नोट करने के लिए, तो आपका एग्जाम सच में अच्छा जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन पे एक्चुअली मूव करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा कि यार 12 नंबर में कौन सा क्वेश्चन था, 17 नंबर में कौन सा क्वेश्चन था, क्योंकि
आपका रफ सेट में गिवन है ना, रफ सेट में आपने लिख लिया है क्या, इस तरीके से करना है ठीक है। अब उसके अलावा एक बात और मैं आपको बता दूं, लास्ट लास्ट में एक्चुअली एक बात और बता दूं, मेरा ये वीडियो लेंथी हो जाएगा तो भैया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। क्यों माफी चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाऊँ चीजों को। अब उसके बाद एक बात मैं आपको और ये बता दूं कि आपके पास या तो जीए में, या तो जीए में, या तो इंग्लिश में, या तो मैथ्स, या तो क्वांट में, या तो रीजनिंग में टाइम बचेगा ही बचेगा। उस टाइम पे क्या करें ना कि रफ सीट का एक जो पीछे वाला जो पन्ना है, पेज है, उसमें क्या करें, ऐसा रफ सीट का पेज है उसमें आप क्या करें कि जो भी आप लेटर लिखना चाहते हैं या जो भी आप ऐसे लिखना चाहते हैं ठीक है, उसका फॉर्मेट वगैरह रेडी कर लें कि मान लेते हैं कि एक्स 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 हो गया फ्रॉम एक्स एक्स एक्स, उसके बाद वाई 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 आपका एड्रेस हो गया, उसके बाद टू दी, टू मतलब कि दी बैंक मैनेजर डैश डैश सब्जेक्ट, ऐसे करके मतलब आप मतलब लिख सकते हैं योर्स फेथफुली एक्स एक्स एक्स, इस तरीके से मतलब आप फॉर्मेट अपना रेडी कर सकते हैं ठीक है। बीच में जो बॉडी आएगा और जो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट का जो चीट कोड है वो तो आपको वहीं पे गिवन मिलेगा ना, जो भी आपको ऑप्शंस यहाँ पे वन टू एंड थ्री ऑप्शंस गिवन होगा ना लेटर का ठीक है, उसका आपको चीट कोड मिल जाता है। चीट कोड बोलने का मतलब सब्जेक्ट में वही ना डालना है जो आपको ऑप्शन यहाँ पर गिवन होगा कि किस बारे में लेटर लिखना है भैया, उसे चीट कोड कहा जाता है ठीक है। एक्चुअली मैं उसे चीट कोड बोलता हूँ कि आपको बता दिया गया है कि वही लिख देना है। अब दूसरी बात, अगर आप लोग पहले थोड़ा भी लिखे हैं ना तो आप लोग बिल्कुल लिख सकते हैं है ना। और अगर आप लोगों ने मेरा डिस्क्रिप्टिव का सेशन नहीं देखा है ना तो प्लीज देख लीजिएगा। आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए जितना भी टेंशन है, डर है, समस्या है, परेशानी है, डिलेमा है, कंफ्यूजन है, दुविधा है, सब खत्म हो जाएगा। सब कुछ मैंने बर्बाद वहां करके रख दिया है। बर्बाद करने का मतलब क्या है मेरा, मैंने वहां पर भंडाफोड़ कर दिया है। भंडाफोड़ बोलने का मतलब मैंने पोल खोल दिया है कि डिस्क्रिप्टिव को चेक करने का सही तरीके से कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर पे काम करता है। सॉफ्टवेयर को बस इतना बताया गया है कि सॉफ्टवेयर में एक्चुअली स्पेलिंग्स फीडेड है ठीक है, पंक्चुएशन के कुछ रूल्स वगैरह जो होते हैं, कोड्स वगैरह होते हैं, वो फीडेड है ठीक है, ताकि वो पंक्चुएशन के एरर को जज कर सके और मतलब कि वो पहचान सके है ना, या इंस्पेक्ट कर सके या चेक कर सके और स्पेलिंग एरर्स को वो फाइंड कर सके। और जो आपका वर्ड लिमिट है बस वो उसे ही काउंट करता है कि कितना वर्ड लिमिट आप लोग मतलब कर पाए हैं ठीक, मतलब कि कितना वर्ड आप लोगों ने वहाँ पे जितना भी लिमिट गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने कितने वर्ड को वहाँ पे मेंशन किया है, टाइप किया है ठीक है, बस वो इतना ही चेक करता है। और इससे का भी अगर चाहते हैं ना, इससे का भी अगर आप चाहते हैं तो आप लोग एक सीट पे जो भी आपने याद किया है बस उसको लिख लें, वहाँ पे जाके छाप दीजिएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने उसके लिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का जो सेशन लिया है ना, लगभग ढाई घंटा प्लस का वो वीडियो है, उसमें मैंने शायद 21 या 22 ऐसे के बारे में बताया है, ऐसे को पूरा का पूरा विद आर्टिकल एक्सप्लेन कर दिया है विद कंटेंट है ना, और आई थिंक 10 लेटर के बारे में मैंने बता दिया है जिसमें बैंक के जो मैनेजर साहब आ गए, जो शाखा प्रबंधक साहब आ गए ना बैंक के, जो मैनेजर साहब आ गए वो उनका है, एडिटर बाबू के बारे में बता दिया है, म्यूनिसिपल काउंसिलर जो होता है उसके बारे में बता दिया है, जो एसएचओ होता है, एसएचओ ठीक है ना, एसएचओ के बारे में मैंने बता दिया है, और जो पुलिस स्टेशन हो गया जैसे कि पुलिस में कोई भी मतलब रहते हैं कि इंस्पेक्टर वगैरह उनके बारे में भी मैंने बता दिया। उस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे लिख सकते हैं ठीक है, आई थिंक इतना काफी होता है ना। और एक मैंने वो भी बता दिया कि जैसे मान लेते हैं कि अगर आप किसी प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, किसी एमएनसी में अगर काम करते हैं, तो अगर मान लेते हैं कि आपको लीव के लिए चाहिए तो कैसे आप लिख सकते हैं, उसके लिए मैंने बता दिया ठीक है कि टू दी मैनेजर या टू दी सर। वहां पे बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर नहीं लगाना है, बस ओनली क्या लगाना है, मैनेजर ठीक है, प्राइवेट कंपनीज के अगर बारे में बात किया जाए तो ऐसे के लिए, सॉरी लेटर के लिए ठीक है। तो मेरी तरफ से ये सेशन था, अगर आप लोगों को मेरा सेशन ये कुछ भी सही लगा होगा, अगर थोड़ा भी सही लगा है तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, वीडियो को मतलब कि शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आप लोगों का फीडबैक है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, दे सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बिगनर टू बैंकर 2022 करके, मतलब कि @bignertobanker2022 करके एक टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा, उसे ज्वाइन करें। वहां पर आप लोगों को जो भी डाउट होता है मुझे डाउट मतलब वो मैसेज करें वहां पर, मतलब आप ग्रुप को ज्वाइन करके मुझे लिखें, मैं आप लोगों का जब भी मतलब मेरे पास टाइम रहता है मैं उसका जवाब दे देता हूं, मैं खुद ही जवाब देता हूं, मैं खुद ही रिप्लाई करता हूं। जरूरत पड़ने पर मैं कैंडिडेट्स के साथ कॉल पर भी बात करता हूं, ठीक है। तो अगर मेरा सेशन सही में आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, प्रैक्टिकल लगा हो, तो जाके एग्जाम में इस चीज को अप्लाई करके देखेगा, आपका भला हो जाएगा, आपका एग्जाम हो सकता है क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने मेहनत किया है खुद के साथ, अगर आप ईमानदार हैं, तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। विश्वास करें, खुद पे भी करें, मेरी बातों पे भी करें और अपने मेहनत पे करें। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।